प्यारे दोस्तों, आपको बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि नाइजीरिया की जानिब से इस बात का दावा किया गया है कि बहुत जल्द तुर्की नाइजीरिया को 6 T-129 हेलीकॉप्टर्स फराहम करेगा। इसके अलावा जैसा कि आप सबको इल्म है कि नाइजीरिया पाकिस्तान से थंडर त्यारे खरीद चुका है, लेकिन अब नाइजीरिया के चीफ ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नाइजीरिया 54 मजीद लड़ाका त्यारे खरीदने जा रहा है, जिनमें ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और अटैकर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा नाइजीरिया ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए TB2 ड्रोन्स भी हासिल करने का इजहार किया है। इसके अलावा वाज़ह है कि तुर्की के साथ पाकिस्तान ने भी T-129 का मुआयदा किया था, लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स में अमेरिका का तैयार करदा इंजन लगाया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की को मना किया कि ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को ना दिए जाएं। जिसके बाद तुर्की ने बहुत कोशिश की कि इन हेलीकॉप्टर्स में कोई और इंजन लगाकर पाकिस्तान को फराहम किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने किसी और इंजन से इन हेलीकॉप्टर्स को लेने से इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, अमेरिका की मना करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान चीन का इंतहाई मुखलिस दोस्त है और अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं पाकिस्तान इस इंजन की टेक्नोलॉजी चीन के हवाले ना कर दे, जिसके वजह से अमेरिका ने तुर्की को मना किया कि तुर्की किसी भी मुल्क को अमेरिका की इजाजत के बिना ये हेलीकॉप्टर्स फराहम नहीं कर सकता।